हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे एंड ट्वेंटी एम सी क्यूज इसके अंदर हमें कवर अप करने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पी डी एफ लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों साथ ही साथ कॉम्बो कोर्स का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं यू पी एस सी ई पी एफ ओ कोड यूज़ करना है फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ ओके पहले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे फटाफट से की इन इंडियाज फुटबॉल विजन डॉक्यूमेंट तो एक ये इंडियाज फुटबॉल विजन डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है पहला स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ग्रास रूट्स एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ठीक है जी की ग्रास रूट और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का नंबर इंक्रीज करना है एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो विजन है इसको टू थाउजेंड फोर्टी सेवन तक अचीव करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पर आपके दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सी बोथ वन एंड टू इंडिया फुटबॉल विजन डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में पूछ सकता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये विजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन जो है वो रिलीज किया था और बेसिकली आइडिया क्या था कि इंडिया के जब हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो तो इंडिया फुटबॉल के अंदर जो है काफी ग्रोथ करे एशियन फुटबॉल के अंदर एक अच्छा नाम इंडिया इस्टेब्लिश करे तो इंडियन फुटबॉल विजन 2047 जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है तो वो तो अपने को दिख ही रहा है ना अगर हम 2022 में 2023 में 47 के प्लान की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म है और इसके अंदर बेसिकली ये विजन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है ये बोलता है कि इंडिया को ना हमने टॉप फिफ्टी कंट्रीज में लेकर के जाना है रैंकिंग में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप फिफ्टी कंट्रीज में लेकर के जाना है टू तक जो बेसिकली हंड्रेड एनिवर्सरी है इंडिया की तो सेकंड स्टेटमेंट में यही आपका स्टेटमेंट गिवन था एम टू टू बी अचीव बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो विजन डॉक्यूमेंट है ना यह विज ग्रासरूट की बात करता है पैंतीस मिलियन बच्चों तक पहुंचना है जो अराउंड हंड्रेड विलेज को कवर करते हुए थ्रू आउट इंडिया एंड साथ ही साथ प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए फुटबॉल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ट्वेंटी फाइव मिलियन चिल्ड्रन को ये सब क्या करेगा ये ना फुटबॉल में एज अ सब, सब स्पोर्ट जैसे भी क्रिकेट के अंदर इंडिया की फैन फॉलोइंग है इंडियंस का इंटरेस्ट है वैसे ही फुटबॉल के अंदर भी इंटरेस्ट क्रिएट करना है ओके जो जेंडर डिस्पैरिटी है ग्रास रूट लेवल के अंदर फुटबॉल पार्टिसिपेशन में उसको कम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ पर की एम्फेसिस दिया गया तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो क्या बोलता है कि इस तरह की पॉलिसी इंटरवेंशन लेकर के आनी है जिससे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फुटबॉल क्लब है कॉरपोरेट है प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये नेशनल फ़ुटबॉल फ़िलोसफी की भी बात करता है तो इसके अंदर बेसिकली जो नेशनल फुटबॉल फिलोसफी है जो एक पूरे का पूरा आप नॉलेज बेस बिल्डअप कर रहे हो उसके अंदर डाटा कलेक्ट किया जाएगा स्काउटिंग से ठीक है प्रॉपर टेक्निकल करिकुलम क्रिएट किया जाएगा कोच और प्लेयर दोनों की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा ठीक है अब आपका ये प्लान सीधा सीधा क्या बोलता है कोच एजुकेशन प्रोग्राम की बात करता है क्योंकि कोच देखो प्लेयर को बनाने के लिए कोच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो अराउंड फिफ्टी थाउजेंड एक्टिव कोचेस को क्रिएट करने का टारगेट है और इनमें फिफ्टी थाउजेंड में से फोर्टी फाइव हंड्रेड मिनिमम ऐसे होने चाहिए जिनके पास ए आई एफ एफ सी लाइसेंस हो ठीक है जो वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रेड का लाइसेंस होता है फॉर कोचिंग ओके जी उसके बाद कलेक्टिंग डाटा एंड क्रिएटिंग अ स्काउटिंग सिस्टम विल बी इन चार्ज ऑफ एंड विल डू सो बाय 2026 2026 तक ये पूरे का पूरा जो स्काउटिंग सिस्टम है इसको क्रिएट करना है क्लब कल्चर लेकर के आना है जैसे की कंट्रीज में आप देखते हो ना फुटबॉल क्लब्स हैं जैसे इंडिया में क्रिकेट में आईपीएल टीम्स हैं वैसे क्लब स्ट्रक्चर लेकर के आना है और एक रॉबस्ट इंडिया की लीग सिस्टम जैसे आईपीएल होता है अभी आपका वो क्या करेगा वो इंडिया में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी को फर्दर इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करेगा ठीक है तो ये सब जो है विजन डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ योटा डी वन जो न्यूज़ में था ये बेसिकली क्या है ऑप्शन ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो का दूसरा कह रहा है सुपर कंप्यूटर है तीसरा कह रहा है नेम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फाइव जी इंटरनेट के लिए चौथा नॉर्थ इंडिया का हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है नॉर्थ इंडिया का पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका डी है योटा डी वन जो है ये एक डेटा सेंटर है और नॉर्थ इंडिया का इंडिया का नहीं इंडिया में तो पहले और भी थे बट नॉर्थ इंडिया का ये पहला डेटा सेंटर है जिसको यूपी में क्रिएट किया गया है पाँच हजार करोड़ की लागत पे इसको बनाया गया है और बेसिकली डाटा स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा अब देखो इंडिया में अभी तक अगर हम बात करें डाटा स्टोरेज सिर्फ दो परसेंट डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है जबकि हिंदुस्तान में बीस परसेंट वर्ल्ड डाटा हम कंज्यूम करते हैं लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी दो परसेंट है ठीक है आपने देखा होगा डाटा प्राइवेसी के लिए बार बार हाईलाइट किया जाता है कि इंडिया में डाटा स्टोरेज विद इन इंडिया होनी चाहिए ठीक है लेकिन डाटा स्टोरेज के लिए डाटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए तो दिस योटा डी प्रोजेक्ट विल कॉन्ट्रीब्यूट ह्यूजली इन दैट एस्पेक्ट थर्ड क्वेश्चन ओ ई सी डी सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स एस टी आर आई पॉलिसी ट्रेंड्स अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट फेब्रवरी दो हज़ार तेईस में रिलीज हुई थी इसमें इंडिया का रैंक क्या था फिफ्टी कंट्रीज़ में और किस कंट्री ने टॉप किया है तो इंडिया का रैंक दोस्तों इसमें फोर्टी सेवन्थ था और टॉप किया है जापान ने तो आंसर यहाँ पर बी होगा सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स तो रैंक अपना काफ़ी खराब है उसे आइडिया लग जाता है जब हम पचास में से फोर्टी सेवन्थ आए हैं तो इन कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस है मार्केट रेस्ट्रिक्शंस हैं अब ये जो इंडेक्स है इसमें थर्टी एट तो ओ सी डी मेम्बर्स हैं उसके अलावा बारह और देश हैं जिसमें से चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज भी आपकी अवेलेबल हैं रशिया भी है इंडिया का रैंक रशिया और इंडोनेशिया से अच्छा है नेक्स्ट है जी ये रिपोर्ट आई थी एक कोलैप्स एंड रिकवरी हाउ द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक एरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू अबाउट इट ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है कोविड कोलैप्स एंड रिकवरी तो ये रिपोर्ट है दोस्तों ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है तो बेसिकली इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया जो एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है और साउथ एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और क्योंकि एजुकेशन के अंदर इम्पैक्ट पड़ा है इसी वजह से फ्यूचर अर्निंग्स रिड्यूस हुई हैं वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अराउंड फोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट फ्यूचर अर्निंग्स रिड्यूस हो गई और साउथ एशिया के अंदर काफ़ी सारे जो स्कूल्स थे वो पार्शली क्लोज थे एंड ज़्यादा लंबे समय तक क्लोज थे एज़ कम कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज एट्टी था साउथ एशिया के अंदर ग्लोबल एवरेज फिफ्टी था और इसी वजह से अर्निंग्स लोगों की कम हुई है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल कम हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएमए 2006 इसके अंदर देखो क्या क्या है चाइल्ड मैरेज इज आर कंसीडर्ड वॉइडेबल अंडर दिस एक्ट कि चाइल्ड मैरिज वॉइड हो जाएगी अगर चाइल्ड मैरिज हुई भी है तो वो कानून के नजरे में वैलिड नहीं है दूसरा एक्ट पनिशेज चाइल्ड मैरिज विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अपू ईयर्स तीसरा द पनिशमेंट कैन एक्सटेंड टू एनी वन परफॉर्म्स कंडक्ट्स डायरेक्ट्स और एबेट्स एनी चाइल्ड मैरिज सिर्फ पेरेंट्स नहीं कोई भी अगर पार्टिसिपेटर है उस मैरिज के अंदर इनफैक्ट द पंडित आल्सो वो परफॉर्म कर रहा है वो भी एक तरीके से पनिशमेंट उसको भी हो सकती है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है तो इन के, इस केस में देखो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के धोखे में बहुत सारे बच्चे रहेंगे कि वॉइड हो जाती है बट ऐसा नहीं है इसीलिए आपका आंसर बी है

तो वो फिर नहीं होती होती है 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 आपका पहला है। के अंदर एज है 21, पहले थी थी लेकिन हुई में में जिसको 2023 में सरकार ने लागू कर दिया है उससे वुमेन की मैरिजेबल एज भी जो है वो ट्वेंटी वन के ऊपर आ गई है रिग्रेस इंप्रेजनमेंट की यहाँ पर बात है दो साल तक की रिग्रेस इंप्रेजनमेंट हो सकती है या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं पनिशमेंट कोई भी अगर इस शादी के अंदर परफॉर्म जो कर रहा है डायरेक्ट कर रहा है कंडक्ट कर रहा है वो सब पनिशेबल होते हैं तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट था सिक्स्थ क्वेश्चन क्रोनी कैपिटलिज्म न्यूजपेपर में इकोनॉमी पेज के अंदर बहुत बार ये टर्म देखने को मिलती है ये बेसिकली होता क्या है इसके uh, अंदर जो होता है ना जो बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो सरकार के साथ अपने रिलेशनशिप्स बना लेते हैं क्लोज टाइज बना लेते हैं और फिर वो पॉलिटिकल पावर को यूज करते हैं अपने फेवर के अंदर तो उसको बोलते हैं बेसिकली क्रॉनी कैपिटलिज्म तो ये एक फॉर्म ऑफ करप्शन होता है आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तो ए क्या कह रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन इन विच इंडिविजुअल्स विद क्लोज टाइज टू पॉलिटिकल पावर्स आर फेवर्ड नेक्स्ट है जी वर्ल्ड पेंगोलिन डे पेंगोलिन जो है इसको मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल बोला जाता है और इसीलिए इसके डे को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ सेलिब्रेट किया जाता है आपका एटीन फेब्रवरी को ठीक है एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर ये uh, जो है आपका एनिमल आता है नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लेना पूछे जाने के हाई चांसेज हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है कि इट इज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ विलेजेस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ओके दूसरा कह रहा है हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के साथ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा देखो इधर आ जाओ तो ये नॉर्दर्न जो बॉर्डर्स हैं उनको बेसिकली कवर कर रहा है तो आपके वेस्टर्न बॉर्डर में तो जैसे राजस्थान गुजरात आ गया तो यहाँ पर वेस्टर्न बॉर्डर वाला जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है यहाँ पर होना चाहिए था नॉर्दर्न बॉर्डर इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो है वो गलत है दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है तो आंसर यहाँ पर आपका बी होना है ओके सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था 2025-26 तक इस स्कीम को चलाया जाएगा नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताकि उन विलेजेस में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके ठीक है तो बॉर्डर एरियाज नॉर्दर्न कौन से कौन से कवर करेगा हिमाचल आ गया उत्तराखंड आ गया अरुणाचल आ गया सिक्किम आ गया और लद्दाख आ गया ओवरऑल टू नाइन सिक्स थ्री विलेजेस को कवर किया जाएगा फर्स्ट फेज में सिक्स सिक्सटी थ्री विलेजेस को कवर किया जाएगा इसके अंदर एक वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है वो क्रिएट किया जाएगा और इसको क्रिएट करने का काम करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस जिस भी विलेज का प्लान क्रिएट होना उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्रिएट करेगी और प्लान क्रिएट करते हुए ग्राम पंचायत को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किसी भी तरीके से उसके साथ हिंड्रेंस में या ओवरलैप में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोकल एरियाज की वहाँ पे जो नेचुरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट हब एंड स्पोक मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज किया जा सके यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट को इनक्रेज किया जा सके स्किल डेवलपमेंट को इनक्रेज किया जा सके टूरिज्म पोटेंशियल को इनक्रेज करना, करना, करना है और डेवलप करना है ट्रेडिशनल नॉलेज और हेरिटेज को डेवलप करना है और इको एग्री बिजनेस

ठीक है आठ चीता लेकर के आए थे हम में प्रोजेक्ट चीता के अंदर वो भी हमने कोनो नेशनल पार्क में डाले थे अभी फेबर में हम फिर बारह चीता और लेकर के आए थे और इस बार साउथ अफ्रीका से लेकर के आए थे तो कन्फ्यूज मत होना ठीक है वो इस तरीके से कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा ये स्टेब्लिश होगा दोस्तों आपके हरियाणा के अंदर तो पहला जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसको गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना बोला गया है गोरखपुर विलेज इन फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्टैब्लिश किया जाएगा और ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा लिस्ट ऑफ जो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो देख लो एक बार पूछे जा सकते हैं पेपर में ककरापार नाइनटीन में कमीशन हुआ था गुजरात कलपक्कम नाइनटीन तमिलनाडु नरोरा नाइनटीन यूपी कैगा टू थाउजेंड कर्नाटका राजस्थान में नाइनटीन तारापुर 1969 महाराष्ट्र और कुडनकुलम 2013 तमिलनाडु ये याद रखने हैं ठीक है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है? है।, है जी किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन को एंडोर्स किया था ये बेसिकली किस की एंडोर्स एक डिक्लेरेशन है ओसीडी डब्ल्यू एच ओ आई एल ओ या आई एम एफ तो यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आई एल ओ न्यूज में क्यों है क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस था 20 को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है थीम था इसम्बली पहलीब्सर्व किया था एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस दो हजार आठ में आई एल ओ ने आई एल ओ डिक्लेन ऑन सोशल जस्टिस फॉर इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन को एंडोर्स किया था और ये आई की तीसरी मेजर डिक्लेरेशन है ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज सिंस आई कॉन्स्टिट्यूशन अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि तीसरी है तो इसके अलावा जो फर्स्ट टू है वो कौन सी है फर्स्ट टू मेजर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी में कौन सी आती है आई की नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली मिशन शक्ति वॉज इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट मिशन शक्ति तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है दिस इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट आंसर है यहाँ पर आपका बी अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के पीरियड में इसको लॉन्च किया गया इक्कीस बाईस से पच्चीस छब्बीस याद रखेंगे थर्टींथ क्वेश्चन दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क ये जो आपके रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक एक डिसेबल्ड पार्क होगा डिसेबल्ड थीम पार्क होगा तो यहां पर जो आंसर है दिस इज ऑप्शन डी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया बेसिकली अभी तो फाउंडेशन स्टोन रखा हिंदुस्तान का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए गए हैं पहली बार कोई ग्रीन बॉन्ड जो है वो इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है तो ये कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ग्रीन बॉन्ड है ये ग्रीन बॉन्ड है आपके इंदौर का इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नेक्स्ट है जी हमने अक्सर देखा जब स्कीम की बात हम करते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि भाई जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरल स्टेट्स के लिए अलग होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग होता है तो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या पैरामीटर होता है किसी स्टेट को हम स्पेशल कैटेगरी में कब रखते हैं ये क्वेश्चन में पूछा है कि भाई वहाँ पर हिली टेरेन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि बॉर्डर के साथ लगता है इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड है

और पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है जे एंड के असम और नागालैंड को दिया गया था 1969 में पैरामीटर जो है ये के हैं, ये के ऊपर बेस्ड है भी वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि भैया ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के जो पैरामीटर्स हैं ये किस पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर बेस्ड है तो आप कह दोगे की ये गाडगिल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है तो उसके अंदर है क्या क्या कि भैया हिली टेरेन है पहाड़ी इलाका है पॉपुलेशन काफी कम है पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है और अगर पॉपुलेशन में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है या लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल है बॉर्डर्स वगैरह के साथ लगता है इकोनॉमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड है जो स्टेट फाइनेंस है वो नॉन वायेबल है ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर रिसोर्स बहुत कम है या इंडस्ट्री के डेवलप होने के चांसिस बहुत कम है नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉक्सो का क्वेश्चन है पिछले एक लेक्चर के अंदर भी देखा था तो ये डिफरेंट है तो पहला स्टेटमेंट है कि पॉक्सो बोलता है कि आप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करोगे प्रोहिबिशन है उस पे। है दूसरा बोलता कि पॉक्सो के अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट एजुकेशन का भी मेंशन है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है आंसर होगा ए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो आपके आर्टिकल ट्वेंटी ए के अंदर है तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है और में ये बिल्कुल सही है कि आप आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकते मीडिया के सामने या किसी के भी सामने आप आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करोगे विक्टिम की सेवेंटीन क्वेश्चन पहला कोर्ट हिंदुस्तान में जो अपनी जजमेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश करना जिसने शुरू किया है तो ये है आपका केरला हाईकोर्ट आंसर सी है नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक टनल के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल किया है चार पॉइंट एक किलोमीटर लंबा ये टनल होगा जिसका नाम होगा शिंकुन लार टनल और ये शिंकुन लार टनल जो है ये रोड लिंक होगा किन दो स्टेट्स के बीच में लद्दाख हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर बोध तो यहाँ पर ये आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तो बेसिकली ये जो टनल है ये नीमू लद्दाख और पदम लद्दाख को कनेक्ट करेगा वाया रोड लिंक फ्रॉम दर्चा हिमाचल प्रदेश ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसको यूएनएससी ने क्रिएट किया था दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है जो ह्यूमन राइट्स स्टेटस को एक्सेस एसेस uh, करता है UN के के मेंबर स्टेट्स अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पर आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्रिएट किया था 2006 में ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने और इसने इससे पहले होता था कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स उसको इसने रिप्लेस किया था यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है एक अंडर दिस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ही जो बेसिकली असेस करता है ह्यूमन राइट सिचुएशंस यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स के अंदर दिस इज नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या है तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन बी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल अब मेरे को आप ये बताओगे कि वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किस दिन किया जाता है वॉट इज द डेट वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सो दिस इज इट गाइस दिज वर द द्विक ट्वेंटी आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन जो भी ये लेक्चर देख रहा है सब्सक्राइब जिसने किया हुआ है अच्छी बात है जिसने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ ना दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज द एम ऑफ दिस चैनल इज टू रीच द मासस और मासेस के पास पहुंचने के लिए शायद हमारे पास वो रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज अभी नहीं है लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जो है वो हमें मासेस तक लेकर के जाएगा एंड डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी यूजफुल इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इफ यू सपोर्ट अस सो स्टार्ट सपोर्टिंग अस सो दैट वी कैन रीच एवरी एंड कॉन्ट्रीब्यूट आर पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ठीक है सो so, ठीक है दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक केयर एंड बाय